दोस्तों नमस्कार, आज हम आपको बताएंगे हरियाणा में 5000 स्थायी कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती होगी, ये घोषणा की है सीएम साहब हरियाणा ने। शिक्षा के नाम पर कुछ दुकानें चल रही हैं, उनकी जांच होगी। तो ये न्यूज़ हमें मिली है हरियाणा से, तो देखते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और अपडेट रहें नई जानकारियों से। न्यूज़ का सोर्स भास्कर की न्यूज़ है ये। तो न्यूज ये है कि सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि अब आवेदकों को की डिग्री पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, इसी वजह से लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के आधार पर रोजगार दिया जा रहा है। यह नौबत उन संस्थानों की वजह से आई है जो शिक्षा के नाम पर दुकान चला रहे हैं, वे केवल परीक्षा के लिए विद्यार्थी को बुला लेते हैं। इस सिस्टम को रोकना है। प्रदेश सरकार ऐसे शिक्षण संस्थाओं की जांच करवाएगी। सरकारी स्कूलों के बच्चे कंप्यूटर शिक्षा से वंचित हैं, इसलिए प्रदेश में कंप्यूटर शिक्षा का स्तर बढ़ने के लिए पाँच हज़ार स्थायी अध्यापकों की भर्ती करेंगे। कंप्यूटर को रेगुलर कोर्स में शामिल किया जाएगा। सीएम शनिवार को अशोक यूनिवर्सिटी में हरियाणा कैसे बनेगा उच्च शिक्षा का पावर हाउस विषय पर आयोजित दो दिवसीय सेमिनारों के समापन पर बोल रहे थे। तो ये मुख्य ये है कि सीएम साहब की इच्छा है कि कंप्यूटरों को 5000 पदों पर स्थायी नियुक्ति करेंगे, तो ये निश्चित रूप से ही भर्ती तो होनी है ही। सीएम ने कहा है कि उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 21 नए कॉलेज की शुरुआत की है। 2700 तलाश की जारी है, जहाँ पर हम जल्द नए कॉलेज की सौगात देंगे। शिक्षा का समाज का दर्पण बताते हुए सीएम ने कहा है कि शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति के पैमाना है। उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश के किसी केजी से पीजी तक शिक्षा का ध्यान रखते हैं। तो ये कुछ स्टेटमेंट था सीएम मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के हैं उनका। 5000 शिक्षकों की बात उन्होंने इस सम्मेलन में कही है कंप्यूटर शिक्षकों की। तो इसी तरह की न्यूज़ प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।